भैया भगवान ने काजल लगाया था यहाँ से। अच्छा, राधा रानी के, राधा रानी उसी से महत्वपूर्ण है। राधा रानी के काजल लगाया था भगवान ने यहाँ पे, तो स्वयं भगवान ने लगाया था। ये जैसे हमारे देख पा रहे हैं लिख रहा है अंजनी शिला, हाँ, तो ये आपने बताया यहाँ पे काजल निकलता है कैसे? ये झूला है। अच्छा अच्छा, इस पर रास होता है, झूला झूलती है राधिका रानी, कृष्ण भगवान दोनों। राधा रानी का झूला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आप सभी देख रहे हैं सूरज ब्रजवासी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ सूरज। साथियों, हम आपको राधा रानी की अष्ट सखियों की वीडियो जैसे कि दिखा रहे हैं और आज हम उसी सीरीज में इंदुलेखा सखी के गांव में पहुंच चुके हैं। ये गांव छाता के पास में पड़ता है, बरसाने के निकटतम ही है और जो गाँव का नाम है वो है आजनौक। अभी हम आजनौक गाँव में आपको राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक इंदुलेखा सखी के दर्शन कराने के लिए आएँ और इन सखियों की खास महत्व थी राधा रानी के जो अष्ट सखियों में, वो भी हम आपको बताएंगे। तो साथियों, अभी हमारे साथ गांव के स्थानीय मौजूद हैं। तो बाबा जी की इंदुलेखा मंदिर का वो है मान्यता अंजनी शिला है। हाँ, वो काजल। अच्छा, भगवान ने रास किया था यहाँ और एक काजल को भूल गए। तो इंदुलेखा सखी का गांव है ये। हाँ, यही जन्म हुआ था इंदुलेखा के नाम से। अच्छा अच्छा। हाँ, काजल शिला में मतलब उसमें क्या? वो काजल निकलता है उसमें। अच्छा, ऐसी शिला वो राधा जी की काजल वो है सामने। हाँ, आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए महाराज जी, देखिए श्री अंजनी बिहारी जी महाराज और इंदुलेखा सखी का आज गांव है ये। ये राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं उनके गांव का विवरण है। ये उनका गांव का, जैसे रंग देवी की जी का गांव, उनका गांव रांकोली है। ये रांकोली है जी जी। और ये सुदेवी सखी है सुनहरा जी जी। लड़का सखी है ऊंचा गांव। ऊंचा गांव, ये 800 सखियों का विवरण है पूरा। और विशाखा सखी है कमई की। और चंपकलता है सखी करेला करेला की। और चित्रा सखी है चिकसोई जी जी। तुंग भद्रा विद्या सखी डबारे जी जी। और इंदुलेखा सखी आजनो, जो आप दर्शन कर पा रहे हो यहाँ पे। यहाँ भादों की द्वादशी के दिन रास किया था भगवान। अच्छा। हाँ, और ये अंजलि शिला जो है ना। हाँ, ये सामने लग रहे कहाँ? ये भगवान ने काजल लगाया था यहाँ से। अच्छा, राधा रानी के, राधा रानी उसी से महत्वपूर्ण है। राधा रानी के काजल लगाया था भगवान ने यहाँ पे, तो स्वयं भगवान ने लगाया था। ये जैसे हमारे देख पा रहे हैं लिख रहा है अंजनी शिला। हाँ, तो ये आपने बताया यहाँ पे काजल निकलता है कैसे? जो किसी भागशाली को निकलता है। अच्छा अच्छा, इस पे घिसते हैं कोई भागशाली होगा उसको निकल आए उस काजल शिला में से। इसी में से निकल रहा है। ये उसी समय की शिला है, प्राचीन प्राचीन। तो ये तो बहुत दिव्य स्थान है बिल्कुल। अच्छा, तो आपने ऐसा भाव, आपने ऐसा भाव देखा है कि कभी इसमें से काजल निकला? हमें तो भैया 35 साल है। अच्छा, तो ये आप उसी समय से देख रहे हो। ये तो बहुत ही अद्भुत जुड़ा हुआ स्थान है। जो क्या कह रहे हो, ये अंजन वन है। हाँ, कीड़ा स्थली है ये जी जी। यहाँ रास किया था भगवान ने द्वादशी के दिन भादों में जी जी। भाई तो, प्राचीन चीज है। तो आप एक बार और दिखा दीजिए पास से। हाँ, जो यहाँ पे अंजन शिला महाराज बता रहे हैं कि इसमें से श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी के काजल लगाया। हाँ, था। और कोई जो भाग्यशाली होता है उसको इसमें से आप ऐसे करोगे तो काजल की प्राप्ति हो जाती है। वो इनको ही होती है जो ठाकुर जी की दृष्टि जिन पर बनी रहती है। और मैं कहूँ तो यहाँ पे जो भाग्यशाली पहुँच पाते हैं जिनके भाग में होगा वो तो राधा कृष्ण दोनों। और सखी ये सखी हैं। अच्छा, ये तो रास में रहते नहीं। हाँ, दो चार सखी नहीं है, वो सखी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी और कुछ नहीं भाई, ये ठाकुर जी की प्रतिमा। तो इंदुलेखा सखी का कौन सा है इसमें? इंदुलेखा सखी का कौन सा वाला बिक रहा है इसमें? इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं है। ये मैंने, अच्छा ये है मैंने यहाँ पे रास किया था अंजनी शिला। तो ये है अंजनी शिला, आप देख रहे हो। ये बहुत ही अद्भुत अद्भुत है। साथ ही हम यहाँ की परिक्रमा भी लगा लेते हैं। आइए, और यहाँ पे थोड़ा शोर आ रहा होगा क्योंकि भजन संध्या चल रही है। यहाँ रास करो करते। अच्छा, रास ये जुलाई से नित्य प्रति, अब वो नित्य प्रति होता है नित्य रास। नित्य रास। अच्छा हाँ,
आज भी आवास होता है यहाँ पे ऐसा? आवास होता है, पर लेकिन उन्हीं को होता है जिनकी सात्विक आत्मा है जो, जी उनको ही परिचय होता है। ये झूला है, अच्छा अच्छा, इस पर रास होता है, झूला झूलती है राधिका रानी, कृष्ण भगवान दोनों, राधा रानी का झूला है, राधा रानी। तो ये तो अपने आप में अद्भुत जगह है, देखी जाए तो ये जैसे बता रहे हैं कि ये रास का स्थान है और ये राधा रानी का झूला आप दर्शन कर पाए होंगे राधा रानी के अष्ट सखी के गांव में, अष्ट सखी के गांव में। जी जी, और ये महाराज जी कुंड के बारे में क्या बताइए? ये किशोरी कुंड है, इसमें स्नान करते, किशोरी कुंड है, ये किशोरी कुंड है जिसमें बहुत ज़्यादा मान्यता है इसकी, ये यहाँ के गांव का किशोरी कुंड है अष्ट सखी गांव में, तो ये आप दर्शन कर पा रहे होंगे। ये है किशोरी कुंड और इंदुलेखा के गाँव में, इंदुलेखा सखी के गाँव में ये आप देख पा रहे होंगे किशोरी कुंड है, और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और प्राचीन कुंड है। मैं कहूँ तो द्वापर का आप देख पा रहे होंगे, आज से लगभग 5000 वर्ष पुराना ये स्थान है, उसी समय की लीला, उसी समय के भाव के आप दर्शन कर पा रहे होंगे। और ये ही कुछ था साथियों इस वीडियो में, और राधा रानी की जी अष्ट सखियों की जो हमारी सीरीज चल रही थी, ये मैं कहूँ तो उसका आज फाइनल वीडियो है। आज हमारी राधा रानी की अष्ट सखियों की वीडियो यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है, और ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपको, देखते रहिएगा सूरज ब्रजवासी। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, ऐसी रोचक वीडियो में, ऐसे दर्शन आपको भी आनंद आए होंगे दर्शन करने में, इन दर्शनों को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे श्याम।